नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से निकाली हुई वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। दिल्ली एयरपोर्ट IGI यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से 1074 सीटें निकाली गई हैं, जिसके लिए पूरे इंडिया में कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ये वैकेंसी प्लस टू के लिए निकाली गई है, जो लोग प्लस टू कर चुके हैं उनके लिए है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली की तरफ से ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा, इस एग्जाम को देने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत है, साथ ही साथ आप एग्जाम के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और आप अगर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि न्यू जॉब अपडेट्स का वीडियो जो है आप तक सीधे पहुंचे। तो दोस्तों, इसके लिए हमें वेबसाइट पर जाना होगा, जहां पर आपको मैं पूरा इंफॉर्मेशन दूंगा और कैसे अप्लाई करना है यह भी बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो दोस्तों, इस प्रकार हम वेबसाइट पर आ गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। IGI एविएशन सर्विस PVT लिमिटेड का ये वेबसाइट है। इसके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो एक हिंदी और इंग्लिश का जो दो ऑप्शन आएगा, इस पर आप किसी पर भी क्लिक करके करेंगे तो एक PDF खुल जाएगा। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके सामने आ जाएगी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एविएशन सर्विस PVT लिमिटेड की तरफ से ये एग्जाम नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। IGI एविएशन सर्विस PVT लिमिटेड, जिस तरह से SSC UPSC BPSC जो है गवर्नमेंट सर्विस के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए एक रिक्रूटमेंट निकालती है, उसी तरह से जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो भी वैकेंसी है उसको IGI एविएशन सर्विस PVT लिमिटेड जो है वो वैकेंसी निकालती है। यहाँ पर देख सकते हैं डेट जो है 6/3/2024 को ये नोटिफिकेशन निकाली गई है। और यहाँ पे अगर नीचे बढ़ते हैं तो इम्पोर्टेंट डेट्स में आपको पता चलेगा कि स्टार्ट और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, यानी कि 6 मार्च से जो है इसका एप्लीकेशन फिलअप करना स्टार्ट हुआ है, और जो है लास्ट जो ऑनलाइन डेट है सबमिशन करने का वो 22 मई 2024 है, यानी कि 22 मई 2024 तक ही आप जो है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन डेट, जो कि एग्जाम भरने के बाद जो है उसका डेट निकलेगा कि कब जो है इसका एग्जाम होगा, रिजल्ट 15 दिन के बाद, एग्जाम होने के 15 दिन के बाद ही रिजल्ट आउट हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं कि ये जो जॉब है इसमें किस पोजीशन में आपको रखा जाएगा। तो पोजीशन है कस्टमर सर्विस एजेंट यानी कि CSA। एलिजिबिलिटी है प्लस टू एवोव, यानी कि कम से कम जो है आपको प्लस टू यानी कि इंटरमीडिएट आपको कंप्लीट किया होना चाहिए, और उससे आगे भी अगर आपने पढ़ाई किया है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने फाइनल एग्जाम दे दिया है प्लस टू का और रिजल्ट का इंतजार में है, तब भी फिर भी आप जो है इस एग्जाम के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। एज होना चाहिए 18 से 30 साल, और जो सीट है वो 1074 सीट जो है टोटल वैकेंसी निकाली गई है, और आपको जो है इसमें सैलरी मिलेगी वो 25,000 से 35,000 के बीच में आपकी सैलरी होगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं आगे इसको कौन कौन से जो लोग हैं अप्लाई कर पाएंगे। तो बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में अप्लाई, यानी कि जो मेल और फीमेल है दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपका पास जो है 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या उसे आगे भी आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसका भी कोई भी डिग्री हो तो उसका भी सर्टिफिकेट होने से काम हो जाएगा। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि इसका एग्जाम में कौन कौन से सिलेबस इसमें पूछे जाएंगे। रिटर्न एग्जाम इसका होगा, जो कि लिखने वाला एग्जाम। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जनरल अवेयरनेस यानी कि GK जो होता है उसमें से 25 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा। और एविएशन नॉलेज यानी कि फ्लाइट से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो 25 मार्क्स के रहेंगे, टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे। और इंग्लिश नॉलेज यानी कि आपको जनरल इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश लैंग्वेज आपको आना चाहिए, उसमें से 25 मार्क्स यानी कि 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एप्टीट्यूड और रीजनिंग से आपको जो है टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 25 मार्क्स से होंगे। टाइम आपका जो है 1.5 घंटा का, यानी कि 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और टोटल मार्क्स आपका 100 होगा, 100 क्वेश्चन में 100 मार्क्स आपके होंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको प्लस टू से संबंधित होंगे, यानी कि प्लस टू लेवल के होंगे। सभी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। अब भाई दोस्तों जानते हैं एग्जाम सेंटर के बारे में। तो ये जो है पूरे इंडिया में इसका एग्जाम होगा, इसका एग्जाम जो है सेंटर जो है पूरे इंडिया में कहीं पर भी हो सकता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में जैसे आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इन क्षेत्रों में बिहार और उत्तर
प्रदेश में सेंटर होंगे। अगर आप झारखंड या ओडिशा या वेस्ट बंगाल से हैं तो आपका रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिलगुड़ी आपका एग्जाम सेंटर होगा। कर्नाटका और केरला वालों के लिए बेंगलुरु, मैसूर, एर्नाकुलम, कन्नूर और तिरुअनंतपुरम इसका एग्जाम सेंटर होगा। उसी तरह से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, मणिपुर, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड का आप देख सकते हैं कि सभी जो है अलग अलग एग्जाम सेंटर दिया हुआ है। आप जो है नोटिफिकेशन में जो है इसको खोलकर देख सकते हैं कि कहाँ कौन सा एग्जाम सेंटर है अपने स्टेट के अनुसार। दोस्तों आप जानते हैं एग्जाम प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले आपको रिटर्न एग्जाम देना होगा। रिटर्न एग्जाम कंप्लीट करने के बाद आपको डायरेक्ट जो है इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू सिलेक्शन होने के बाद आपको मेडिकल चेकअप या मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। दोस्तों अब अप्लाई करने का तरीका से जानने से पहले आपको मैं बता दूं, ये बात हमेशा याद रखिएगा, 6 मार्च से 22 मई तक ही जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप सर्विस अवेलेबल है। उसके बाद जो है अप्लाई करने का प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो आइए जानते हैं अप्लाई कैसे करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको वेबसाइट पेज पर आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक महत्वपूर्ण सूचना आ जाएगा जिसको आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक फॉर्म फिलअप करने का डायग्राम खुल जाएगा जिसमें आपको सबसे पहले जो है आपका नाम फिलअप करना पड़ेगा, आपका फुल नाम जो फुल नेम है वो एंटर करना पड़ेगा, आपके फादर नेम एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ जो है एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको नेशनलिटी एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद मेल या फीमेल है वो एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कैटेगरीज जो है सिलेक्शन करना पड़ेगा, आप एसटी है, एससी है, ओबीसी है या जनरल कैटेगरी में आते हैं, उसके बाद आपको मैरिटल जो है स्टेटस सिलेक्शन करना पड़ेगा, आप मैरिड है या सिंगल है, उसके बाद आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्शन करना पड़ेगा। आप जिस स्टेट से हैं आपके स्टेट में डिस्ट्रिक्ट के अनुसार जो नज़दीक पड़े आप जो है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए कि जो है एग्जाम सेंटर हमेशा सोच समझ कर मतलब सिलेक्शन करना, क्योंकि बाद में यह चेंज नहीं हो सकता है। एग्जाम सेंटर सिलेक्शन करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। उसको आपको फिलअप करने के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको फिलअप करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप किस बोर्ड से एग्जाम फेस किए हैं उसका बोर्ड का नाम देना है, पासिंग ईयर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको आधार कार्ड डिटेल्स का भरना पड़ेगा, फुल नेम और आधार नंबर आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सोर्स भरना पड़ेगा कि आपको ये जो रिक्रूटमेंट है ये कहाँ से पता चला, सोशल मीडिया से पता चला या एम्प्लॉई रेफरल है कोई, आपको भरना है। उसके बाद दोस्तों आपको फोटो आइडेंटिटी जो है आपको एक फोटो जो है अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको सबमिशन के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह से आपका जो है सबमिशन हो जाएगा। दोस्तों इसके लिए आपको एक फीस जो है देनी पड़ेगी एग्जाम के लिए, जो कि आप देख सकते हैं कि ₹350 का जो है फीस जो है एप्लीकेबल है। आपको ₹350 आपको फीस देना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है इस जॉब के लिए अपने घर से, अपने मोबाइल से या लैपटॉप से जो है डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। अगर आपने प्लस टू किया है और आप देश के किसी भी कोने से हैं, अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट में नौकरी करना चाहते हैं तो आप जो है इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने अगर प्लस टू किया है और आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप चाहे देश के किसी कोने में हो, वहां से आप जो है इसके लिए अप्लाई बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।